नमस्कार, झारखंड न्यूज में स्वागत है। आइए राज्य भर के टॉप 10 मुख्य समाचार जानते हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कोरोना वायरस के रोकथाम से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य भवन में उच्च स्तरीय बैठक कर स्थिति की जायजा ली। राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने बताया कि आज राज्य में चौथी पॉजिटिव केस आया है। राज्य के सभी जिलों पर निगरानी रखी जा रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री सहित मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, राज्यपाल के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव व स्वास्थ्य सचिव मदन कुलकर्णी भी उपस्थित थे। कोरोना से जंग लड़ने के लिए पीएम सहित सभी सांसदों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के वेतन से 30% तक कटौती किया जाएगा। यह वेतन कटौती 1 साल तक किया जाएगा। वही 2 साल तक MPLAD को ख़त्म किया जाएगा। आपको बताते चले कि MPLAD के तहत सभी लोकसभा और राज्यसभा के हर संसद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक साल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। MPLAD फंड को 2 साल हटाने पर 7900 करोड़ रुपए आएंगे, जो कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी। पारा शिक्षकों के मानदेय तथा BRP CRP के मानदेय भुगतान को लेकर रिपोर्ट मांगी गई। राज्य के सभी पारा शिक्षक और BRP CRP के मानदेय भुगतान को लेकर शिक्षक और उनके बैंक खाते की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया। वहीं सभी जिलों को निर्देश दे दिया गया है कि सभी पारा शिक्षक, BRP CRP और सरकारी कर्मचारी को 7 अप्रैल तक वेतन भुगतान हर हाल में कर सुनिश्चित करें। झारखंड के खजानों को लगा 1100 करोड़ का झटका। कोरोना वायरस के कारण झारखंड के खजाने को 1100 करोड़ का झटका लगा है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में GST का संग्रह 1079 करोड़ घट गया है। 18-19 में GST का कुल संग्रह 23,916 करोड़ था। यह 19-20 में घटकर मात्र 22,847 करोड़ रह गया। इस तरह GST में सालाना 4% का घटतरी हुआ। कोरोना के संक्रमण से राज्य की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान। वित्तीय वर्ष के अंत में कारोबार में आई कमी से वस्तु एवं सेवा अचानक घटा है या पिछले साल के मार्च महीने की भी बराबरी नहीं कर सका। पिछले साल मार्च महीने में राज्य को 2149 करोड़ का GST प्राप्त हुआ था, जो इस साल 100 करोड़ घटकर 2049 करोड़ हो गया। पलामू जिला में करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई। हैदरनगर थाना क्षेत्र के सड़िया गांव के समीप 11,000 वोल्टेज के बिजली के तार की चपेट में आने से हाथी की हुई मौत। ग्रामीणों को हाथी की मौत की खबर हुई तो उसे देखने के लिए लोगों ने भीड़ इकट्ठा कर दिया। 10% पुलिस रखे जाएंगे रिजर्व। खबरों के मुताबिक कोरोना वायरस से के बढ़ते संक्रमण के मद्देनज़र आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में 10% पुलिस अधिकारी और 15% आरक्षी व हवलदार अब रिजर्व रखे जाएंगे। यह निर्णय पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने लिया है। रिजर्व रखे गए पुलिस पदाधिकारी और कर्मी की पहले चिकित्सीय जाँच होगी, इसके बाद वे दूसरे पुलिसकर्मी से अलग रखे जाएंगे ताकि वे किसी संक्रमित व्यक्ति के संक्रमण स्पर्श में न आए। उन्हें विशेष परिस्थिति के अलावा किसी भी परिस्थिति में अवकाश नहीं दिया जाएगा। रिजर्व रखे गए पुलिस पदाधिकारी या कर्मी अगर अवकाश पर जाते हैं तो अवकाश से लौटने के बाद उन्हें रिजर्व टीम में नहीं रखा जाएगा। रिजर्व फोर्स को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षा से संबंधित सभी सामग्री दी जाएगी। उन्हें दैनिक उपयोग और खाने पीने के लिए सामान उपलब्ध कराते समय कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षा संबंधी निर्देश का पालन किया जाएगा। उन्हें एक जगह पर रखी अलग अलग केंद्रों पर रखा जाएगा। रिजर्व फोर्स वर्तमान में विधि व्यवस्था की ड्यूटी में तैनात या प्रतिनियुक्ति पुलिसकर्मी से संपर्क में नहीं आ पाए, इस बात पर विशेष ध्यान निर्देश दिया जाएगा। गाँव में बाहरी लोगों को प्रवेश पर लगा रोक। पकड़े जाने पर 1500 रुपये देना होगा जुर्माना। चंद्रपुरा प्रखंड के तेलो गांव की एक महिला के रविवार को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बेरमो क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ गई है। कई पंचायत को स्थानीय ग्रामीणों ने बैरिकेड कर बाहरी लोगों को प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
ऊपर घाट की बराई व पलामू सहित अन्य कई पंचायतों के ग्रामीणों ने गांवों के संपर्क मार्ग को झाड़ियों व पेड़ों की सूखी टहनियों से घेर कर अवरुद्ध कर दिया है। साथ ही स्कूल बंद रहने के कारण घर पर ही रह रहे छात्रों के साथ भी पहरेदारी कराई जा रही है। बैरिकेटिंग के समीप बैनर लगाकर लिख दिया गया है कि अन्य जगह के लोग यहाँ के गांव में प्रवेश नहीं कर सकते, अगर गांव में प्रवेश करते कोई पकड़ा जाए तो उस पर 1500 रुपये आर्थिक दंड लगाया जाएगा। वही गोमियों के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं ने अपने गांव मोहल्ला के मुख्य मार्ग को बंद कर दिया है। यहाँ की पंचायत के राहवन, बारीडारी पंचायत के होनहे, तिरला इत्यादि के प्रवेश मार्ग को बांस बल्ली व झाड़ियों से गेट बनाकर बंद कर दिया गया है। रिम्स के मरीजों को नहीं मिला खाना तो भूख मिटाने के लिए खा लिया कबूतर का दाना। राजधानी रांची में एक मरीज ने कबूतर को दिए जाने वाले दाने को खाकर अपनी भूख खत्म किया। मरीज पैर से लाचार था और उसके साथ कोई नहीं था। जब सरकार गरीबों को लेकर इतने बड़े बड़े दावे करती है और हर संभव मदद का आश्वासन देती है तो ऐसे क्यों है न जाए। जब अस्पताल प्रबंधक से यह सवाल पूछा गया तो प्रबंधक ने उनकी जांच की जाएगी ऐसी बात कही। हजारीबाग में 15,912 लोग भेजे गए होम क्वारंटाइन में। खबरों के अनुसार हजारीबाग के विष्णुगढ़ में एक कोरोना संक्रमण व्यक्ति के मिलने के बाद जिला प्रशासन ने ऐसी कदम उठाई है। विष्णुगढ़ प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब तक 2200 लोगों का स्क्रीनिंग हो चुकी है, जिनमें 8 लोग संदिग्ध पाए गए हैं। इन सभी को हजारीबाग में बने आइसोलेशन सेंटर भेज दिया गया है। मजदूरों को मिला केंद्र से 602 करोड़। झारखंड के मनरेगा मजदूर के लिए राहत भरी खबर है। भारत सरकार ने उनकी मजदूरी के भुगतान के लिए 602,25,70,000 रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है। झारखंड की अर्थव्यवस्था की खराब हालत को देखते हुए इससे सुदूर गांवों में आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में मदद मिलेगी। भारत सरकार ने मंजूरी मिलते ही झारखंड सरकार ने मजदूरों का बकाया भुगतान कर दिया। इसमें से सबसे पहले जिन मजदूरों का ज़्यादा दिनों से बकाया था उनके खातों में राशि डाली गई। धन्यवाद। वीडियो को एक लाइक करें। साथ ही साथ आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। तो आज के लिए बस यही। थैंक यू।